नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 11 बजे का वक्त न्यूज 100 का है, लेकिन आज इस वक्त हम आपको काशी में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती दिखा रहे हैं। आज काशी में भारत और फ्रांस की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा। अभी से करीब आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी वाराणसी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मैक्रों का स्वागत खुद पीएम मोदी ने किया है। दोनों नेता आज बनारस और आसपास के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले पीएम मोदी और मैक्रों बनारस के पड़ोसी जिले मिर्जापुर जाएंगे, जहां सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा, और इसके बाद वापस बनारस लौटने के बाद दोनों नेता कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इनमें सबसे अहम है गंगा में नाव पर दोनों नेताओं की चर्चा। दोनों नेता करीब 20 मिनट तक नौका विहार करेंगे। ये मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति मैक्रों के वापस दिल्ली लौटने के बाद भी पीएम मोदी कई घंटों तक काशी में रुकेंगे। बनारस और पटना के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के अलावा पीएम मोदी DLW मैदान में रैली को भी संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं के दौरे को लेकर वाराणसी के ट्रैफिक रूट में आज के लिए कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। पीएम मोदी पहले वाराणसी पहुंचे और उसके कुछ देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी यहां पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने मैक्रों का स्वागत किया और काशी में फिर एक दूसरे को गले लगाया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वाराणसी से दोनों नेता मिर्जापुर जाएंगे, जहां सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद वाराणसी लौटेंगे और 80 घाट से नाव पर सैर करेंगे। पीएम मोदी मैक्रों को वाराणसी के घाट दिखाएंगे और इस बीच नौका विहार जब होगा तो दोनों नेता एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एक साथ नाव पर सवार होकर बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के यहां पर क्या क्या कार्यक्रम है, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का बनारस दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे रंग, कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो दोनों देशों को न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर जोड़ेंगी बल्कि आर्थिक तौर पर भी जोड़ने का काम करेंगी। सबसे पहले तस्वीरें आप उन वज्रा की देखिए जो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है। इसके ऊपर की छत पर गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और जब ये वज्रा चलना शुरू होगा यहाँ 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ, तब इसमें रामचरित मानस की चौपाइयाँ चारों तरफ से गूंजती हुई सुनाई देंगी फ्रांस के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दिलचस्प चीज़ ये कि ये जो पूरे घाट हैं उसमें हर जगह भारतीय संस्कृति को दिखाने की, उसकी विविधताओं को समझाने की कोशिश की गई है। चाहे पीछे देखिए यहाँ लोक कलाकार तैयार हो रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रम 80 घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच पड़ने वाले हर घाट पर आपको देखने को मिलेंगे। बीच में आप सुरक्षा व्यवस्था भी देख सकते हैं, चूँकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पहुँच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर्स में, कई स्तर पर तैयार की गई है। इसमें लोकल पुलिस भी शामिल है और SPG ने तो अपने हाथ में खैर चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन हम आपको उन सब से अलग हट करके बनारस के आज कुछ अलग रंग ज़रूर दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से यहाँ पर यज्ञशाला तैयार की गई है और यज्ञशाला में जब प्रधानमंत्री नौका विहार कर रहे होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ तो यज्ञ चल रहा होगा, यानी हर वो पहलू, संस्कृति से, धर्म से जुड़ी हर वो बात जो हमारी पहचान है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने ज़रूर पहुंचती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर एक राम दरबार भी तैयार किया गया है और कोशिश है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भगवान राम से जुड़ी हुई लगभग हर चीज़ से रूबरू किया जा रहा है बनारस में। शायद यही वजह है कि जब वो पहले एक हस्तकला केंद्र पहुँचेंगे वहाँ पर एक छोटा सा नाटक का मंचन किया जाएगा जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दृश्य का मंचन होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक राम दरबार भी तैयार किया गया है और साथ ही साथ रामचरित मानस की चौपाइयाँ तो सुनाई देंगी ही देंगी। तो ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो 775 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ से करेंगे और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार भारत में एक अनोखा प्रयोग भी प्रधानमंत्री यहीं से शुरू करने वाले हैं और उसकी शुरुआत होगी देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से सीधे संवाद के जरिए। ये पहला प्रयोग किया जा रहा है भारत में जिसमें प्रधानमंत्री सीधे सीधे महिलाओं से रूबरू होंगे और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से शुरुआत हो रही है, उसके बाद ये देश में हर जगह प्रयोग किया जाएगा।
कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, वाराणसी। तो राहुल सिन्हा की रिपोर्ट के जरिए आपने ये जरूर देख लिया होगा कि कितनी तैयारी की गई है, किस तरीके से काशी को सजाया गया है। लेकिन मोदी और मैक्रोन का काशी दौरा खास क्यों है? भारत को विश्व गुरु और काशी को राष्ट्र गुरु बनाने की कोशिश हो रही है, जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गंगा घाट मंदिरों से भारत की संस्कृति के बारे में बताना एक मकसद है पूरी दुनिया को, और आतंकवाद से परेशान दुनिया को काशी के जरिए संदेश देने की ये एक कोशिश है। वाराणसी में विवेकानंद, शंकराचार्य, रविदास, बुद्ध ने भी यात्रा की थी। पीएम दुनिया को बताना चाहते हैं वाराणसी विश्व शांति का केंद्र है। वाराणसी को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाने की पीएम मोदी की कोशिश है। गंगा यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाराणसी को और प्रमुखता मिलेगी। फ्रांस की दोस्ती से पाकिस्तान और चीन को संदेश देने की कोशिश है। दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वाराणसी आना चाहेंगे और इसके जरिए वाराणसी को विश्व के पटल पर एक शांति सेंटर के तौर पर दिखाया जाएगा। और किस तरीके से वाराणसी दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है, शांति का केंद्र हो सकता है, इसकी एक कोशिश है। जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा देखिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं वाराणसी। तो राहुल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, सबसे पहले दोनों नेता कहां जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, और साथ ही कुछ तस्वीर जो आपके आसपास हो वो भी दिखाइएगा क्योंकि तस्वीर बहुत खास है। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ से मिर्जापुर पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में एक सोलर प्लांट है जिसका ये लोग उद्घाटन करेंगे। उस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो 75 मेगावाट की है। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक हस्तकला केंद्र जाएंगे जहां पर वो बुनकरों से मिलेंगे, जो बनारसी साड़ी बनाते हैं बुनकर, उनसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे कैसे बनारसी साड़ी बनती है। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए खासतौर से एक बुनकर को बुलाया गया है वहां पे, जो कि उनको समझाएगा बताएगा। यहां पर एक छोटा सा नाटक का मंचन भी किया जाएगा जिसमें कि भगवान राम के वनवास के दौरान के दृश्य का वो वहां पर दिखाया जाएगा। इसके बाद वहां से ये दोनों सीधे अस्सी घाट पहुंचेंगे। अस्सी घाट में लगभग 20 मिनट तक का नौका विहार रहेगा जिसमें अस्सी घाट से शुरू होकर के ये दशाश्वमेध घाट तक जाएंगे। लेकिन जो असल रंग है वो आपको अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच ही देखने को मिलेगा, और इस समय मिल भी रहा है विद्या। बनारस का तो हर रंग आप जानते ही हैं, हर रोज आप पहुंचिए तो एक अलग रंग में बनारस नजर आता है, और आज तो इतने सारे रंग हैं। भारत की हर संस्कृति की, भारत की हर लोक कला को यहाँ पर समेटने की, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अस्सी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक नौका में चलेंगे, उस वक्त अलग अलग घाटों पर अलग अलग लोक कलाकार अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर एक राम दरबार भी तैयार किया गया है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये दोनों चल रहे होंगे उस वक्त रामचरितमानस की चौपाइयां चल रही होंगी। अच्छा, तो ये यात्रा राम में है। बिल्कुल राम में है और बहुत खास है और ऐतिहासिक भी है क्योंकि इस यात्रा के जरिए कोशिश ये भी है कि बनारस को, काशी को कैसे विश्व स्तर पर ले जाया जाए और कैसे इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि शांति का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, तमाम रंग यहां पर मौजूद हैं। राहुल, आप हमारे साथ रहिए, हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं इस पूरी यात्रा को लेकर। काशी के अस्सी पर फ्रांस वाली दोस्ती, शाम ए पेरिस नहीं सुबह ए बनारस, फ्रांस का रंग बनारसिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। एक बार फिर पीएम मोदी मां गंगा के दर्शन के लिए आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस बार उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके दोस्त एम्यूनुएल मैक्रों भी होंगे। 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला मिर्जापुर का यह प्लांट यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। फ्रांस की कंपनी के सहयोग से 382 एकड़ में लगभग 700 करोड़ की लागत से सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनाया गया है।
दो देशों के बड़े नेता इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो तैयारियां भी खास की गई हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो दिनांक 12 तारीख को 12 मार्च को प्रस्तावित है ग्राम ददरा कला में। वहाँ पर फ्रांस और भारत सरकार के जॉइंट वेंचर से एक सोलर पावर प्लांट 75 मेगावाट का है, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति फ्रांस राष्ट्र के करकमलों के द्वारा होगा। तो कई तरह के स्वागत भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को देंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है सीधे आपको लेकर चलते हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी बनारस से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनुभव, किस तरीके से आज बनारस अलग लग रहा है, जो दोनों नेता हैं वो कहां कहां पहुंच रहे हैं और उन जगहों की क्या खासियत है जिसके जरिए रूबरू कराया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति को? देखिए बिल्कुल विद्या, हम आपको अगर बताएं, हम 80 घाट पे मौजूद हैं और अभी यहाँ पर तकरीबन 1:40 पर प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुँच जाएंगे। और आप तस्वीर देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से ये 80 घाट फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, ये जो यहाँ पर आर्ट यूनिवर्सिटी वहाँ के स्टूडेंट हैं और ये लगातार रंगोली बना रहे हैं। स्वागतम लिखा है इन्होंने यहाँ पर, उस तरफ वेलकम लिखा है और भारत और फ्रांस के मैत्री को दर्शाते हुए एक और रंगोली बनाई गई है। उस तरफ अगर आप देखिए तो वहाँ पर वो बजड़ा तैयार है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो तकरीबन 25 मिनट तक नौकायन करेंगे। ये गंगा नदी में आसपास के जो घाट है, 80 घाट के आसपास जितने घाट है उनका वो नौकायन करेंगे और वहाँ पर डिस्कस होगा किस तरीके से भारत फ्रांस को लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बताएंगे कि आखिर वाराणसी को हम पूरी दुनिया में एक हेरिटेज सिटी के तौर पर क्यों पहचान है इसकी, क्यों इसे कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सारी बातें होंगी। और यहाँ तकरीबन 25 मिनट बिताने के बाद वो सीधे यहाँ से जाएंगे और जो नदेश्वर पैलेस है वहाँ पर इंतज़ाम है, वहाँ पर लंच करेंगे, फिर उसके बाद और भी सारे कार्यक्रम हैं। तो हम कहें तो पूरी तरह से बनारस तैयार है, यहाँ जितने भी प्रमुख चौराहे वहाँ पर होटल में जाकर लंच करेंगे, वो भी ऐतिहासिक है, उसका भी बहुत शानदार इतिहास है, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, इंटरेस्टिंग इतिहास भी है।